नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक ललित कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर पूर्वांचल की 113 वर्ष पुरानी शिक्षण संस्था है, जिसके द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, नेशनल छात्रावास एवं प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं। इन संस्थाओं में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सोसाइटी वर्ष के अंत में अपने पूर्व पदाधिकारियों की स्मृति में ललित कला महोत्सव का आयोजन करती है। इस वर्ष यह महोत्सव 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में कुल 13 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं, जिसमें हमारे 3 विद्यालयों के साथ शहर के अनेक शिक्षण संस्थानों के प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिभाग का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस बार इस महोत्सव में पुस्तक एवं उद्यमिता प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उद्यमिता प्रदर्शनी में विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित उत्पाद विक्रय हेतु प्रदर्शित होंगे। 4 दिन परिसर में फूड कोर्ट लगा रहेगा, जिसमें आगंतुक विद्यार्थियों के दर पर जलपान कर सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, ये सारी बातें प्रेस वार्ता नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव के रूप में मैंने आहूत की है। हमारी सोसाइटी की स्थापना 1909 में हुई थी। 113 वर्षों से हम इस पूर्वांचल में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बच्चों के ज्ञान के विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य उन बच्चों का पूरा विकास करना है, मनुष्यता उनके अंदर आए इसका विकास करना है। इसी क्रम में 1973 से हमारी सोसाइटी यह ललित कला महोत्सव करती आ रही। पहले से चित्रकला की प्रतियोगिता होती थी, अन्य प्रतियोगिताएं धीरे धीरे जोड़ती गईं। हम 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 4 दिवसीय इस बार ललित कला उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि ढेर सारी प्रतियोगिताएँ हमारे पूर्व जो पदाधिकारी रहे हैं, स्वर्गीय प्रकाश नारायण जी, राय बहादुर राम गरीब लाल जो हमारे संस्थापक थे, प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी, श्री कृष्ण जी श्रीवास्तव जी, सरोज श्रीवास्तव जी और राय बहादुर राम नारायण लाल और राम हर नारायण लाल जी, इन लोगों की स्मृति में ढेर सारी प्रतियोगिताएं हैं। 13 प्रतियोगिताएं कुल इन 4 दिनों में होंगी। इनके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 चीज़ें इस वर्ष से नई जोड़ी जा रही हैं। एक उद्यमिता प्रदर्शनी जो हमारी गर्ल्स स्कूल राम नारायण लाल कन्या, हमारे PNICT का जो ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के छात्र कुछ ऐसे उत्पाद बनाकर वहाँ पर पेश करेंगे और उनकी बिक्री करेंगे जो कि समाज के लिए उपयोगी हो गया, ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें समाज के सामने ला सकें, इसका हमारा प्रयास है। इसके साथ साथ आज हम पुस्तक भूल चुके हैं, तो पुस्तक प्रदर्शनी भी इस परिसर में 4 दिन लगेगी, ताकि हमारे छात्र और उनके अभिभावक गण आके पुस्तकों को भी क्रय कर सकें और पुनः पुस्तक पढ़ने का माहौल पैदा हो। फूड कोर्ट पूरे 4 दिन होगा, क्योंकि हमारे 10,000 छात्र छात्राओं के अलावा नगर के विशिष्ट जितने विद्यालय हैं उनके भी प्रतिभागियों को हम लोग बुला रहे हैं इन 13 प्रतियोगिताओं में। तो एक अच्छी बच्चों की उपस्थिति होगी, एक उत्सव का माहौल होगा, तो उसके लिए फूड कोर्ट भी 4 दिन रहेगा कि न्यूनतम दर पर ऑन पेमेंट बच्चे अपना जो कुछ भी खाना पीना है खाते पीते रहें। हम सभी लोग इसका उद्घाटन भी एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत चल रही है कराना चाहते हैं, जिसके उद्बोधन से बच्चों को नैतिक शिक्षा और नैतिकता का पाठ मिले। तो कुल मिला के यह आयोजन, और जो सबसे महत्वपूर्ण था, देखिए मैं भूल रहा था, हमारे पुरातन छात्र महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के 113 वर्ष का इतिहास और डिग्री कॉलेज का 53 वर्ष का, और राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज 1946 में बना था उसका 76 साल का इतिहास, तो हम इनके एलुमनाई को भी इकट्ठा कर रहे हैं। इस वर्ष हम तीनों विद्यालय के
50 वर्ष पुराना बैच गोल्डन जुबली यानी 1972 और 25 वर्ष पुराना बैच सिल्वर जुबली 1997 बैच के छात्राओं को बुला रहे हैं। इंटर कॉलेज अपने परिसर में 17 दिसंबर को, डिग्री कॉलेज अपने परिसर में और रामनारायण लाल अपने परिसर में उन बच्चों का, पूर्व छात्रों का सम्मान करेगा विद्यालय की ओर से और उनके लिए दोपहर का भोज आयोजित करेगा।